नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। जगह जगह विरोधी हथियारों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी जगह बाजार भी बंद कर दिया गया है। सनसनीखेज वारदात में शूटरों ने 5 लोगों के गोली मारी। वारदात के समय गोगा मेडी के 2 निजी गनमैन भी वहां मौजूद थे। शूटरों ने मौके पर ही गोगा मेडी तक पहुंचाने वाले वैशाली नगर निवासी नवीन सिंह शेखावत को भी गोली मारकर हत्या कर दी। सुखदेव सिंह गोगा मेडी से मिलवाने वाले नवीन को शूटरों ने गोली क्यों मारी, यह बड़ा सवाल है। हो सकता है सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने ऐसा किया। हालांकि असली सच्चाई का पता तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही चल पाएगा। बता दें कि नवीन जयपुर में कपड़े का कारोबार करता था। वैशाली नगर निवासी नवीन सिंह के साथ दोनों शूटर चंदा लेने के बहाने गोगा मेडी से रविवार दोपहर को मिलने पहुंचे थे। गोगा मेडी का नवीन अच्छा परिचित था, इसके चलते गनमैन ने नवीन के साथ आए शूटर को बिना तलाशी घर के अंदर भेज दिया। घर के अंदर लगे CCTV कैमरे में घटना कैद हो गई, जिसमें करीब 10 मिनट तक शूटर नवीन की मौजूदगी में गोगा मेडी से बातचीत कर रहे थे। दोपहर करीब 1:21 पर एक शूटर ने अचानक पिस्टल निकालकर गोगा मेडी के सीने पर गोली मार दी और पल भर में दूसरा फायर नवीन पर कर दिया। फिर दोनों शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। शूटरों ने गोगा मेडी के कनपट्टी, सीने, पेट व कमर के बीच 4-5 गोलियां मारी। नवीन के भी 3 गोली लगी है। नवीन बाहर की तरफ भागा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही गिर गया। शूटर जिस स्कॉर्पियो से गोगा मेडी के आवास पर पहुंचे थे, वह घटना स्थल पर ही छोड़ गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 4 दिन पहले ही जयपुर में किराए पर ली थी। शूटरों ने नवीन सिंह के आधार की फोटोकॉपी दिलवाकर स्कॉर्पियो को किराए से लिया था। बता दें कि शूटर पहले से नवीन सिंह के संपर्क में थे और 4 दिन से नवीन के साथ थे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी से नवीन सिंह 4 दिन से ही शूटरों को समाज का बताकर चंदा दिलाने को और मिलवाने के लिए समय मांग रहा था। शूटरों के पकड़े जाने के बाद पता चलेगा कि वे क्या झांसा देकर गोगा मेडी तक पहुंचे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि कालवाड़ रोड रॉयल सिटी चौराहे पर गुस्सा आए लोगों ने जाम लगा दिया है। टायर जलाकर लोग भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा समझाइश किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उन्हें सजा मिले। वाहनों की रैली गोगा मेडी हत्याकांड के विरोध में जाकर बाजार बंद करवा रहे हैं। आगे आगे पुलिस की गाड़ियां खुद बाजार बंद करवाते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि काटा चौराया, छोटवाड़ा, गुजर की थड़ी, सीतापुरा, टोंक रोड, वाटिका रोड, कुंभा मार्ग, शोपुरा रोड, सांगानेर, जगतपुरा में पूर्ण रूप से बाजार बंद करवा दिया गया है। आंदोलनकारी उग्र रूप न हो, शांतिपूर्वक जयपुर बंद सफल में जुटे सर्व समाज के लोग हैं। आपको बता दें कि कई जगह बसें रोकी जा रही है, तो कई जगह टायर वगैरह जलाए जा रहे हैं, तो कई जगह ट्रेनों को रोका जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।